नमस्कार दोस्तों, मैं शिशुभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमने जो वीडियो स्टार्ट किया है इस डिस्टेंस स्पीड टाइम दूरी समय और चाल, इससे पहले भी मैंने स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको पहले देख लीजिए। क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने मुख्यतः तीन बातें या तीन फॉर्मूला बताई थी वो यही था कि स्पीड डिस्टेंस टाइम में रिलेशंस, जो रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि पहला मैंने फॉर्मूला बताया था। डिस्टेंस यहीं से डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और फिर यहीं से टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तीन मेन फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसके अलावा मैंने रिलेटिव स्पीड पे भी थोड़ा सा चर्चा किया था कि रिलेटिव स्पीड क्या है, सापेक्षिक चाल क्या होता है, कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का जो गति है, दूसरे का जो चाल है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होता है। उसके अलावा हमने पिछले वीडियो में कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन भी बताया था। ये सारी चीज मैंने वीडियो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो पहले आप पिछले वीडियो को देखिए, ताकि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन का पैटर्न बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने थोड़े से क्वेश्चन ऑन ट्रेन जो था, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न थे, वो मैंने बताए थे। आज उसी को लेकर के हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और जो कुछ पैटर्न छूट गए थे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा, जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट सेक्शन में करना है, ताकि मुझे ये पता चले कि हमारे वीडियो को आप कितनी अच्छे तरह से समझते हैं और कितने अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर पिछले वीडियो अगर देखना है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज फंडामेंटल और मैथमेटिक्स जो प्ले लिस्ट है हमारे सेक्शन में और हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाकर के आप प्ले लिस्ट पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने घर से 1 किलोमीटर चाल से चलकर स्कूल जाता है तो 53 मिनट देर से पहुंचता है। अगर वो अपने घर से 1 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल के स्कूल जाता है तो जो स्कूल पहुंचने में उसको जो समय लगना चाहिए उससे 51 मिनट ज्यादा टाइम लेता है। यदि वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वो अपने चाल को 20 किलोमीटर पर आवर कर लेता है तो जो स्कूल पहुंचने का टाइम है उससे 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मकान और स्कूल के बीच की दूरी क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो रिक्वायर्ड टाइम डिस्टेंस होगा वो a इंटू बी बाई बी माइनस ए इंटू t1 + t2 / 60। अब ये देखिए कि कैसे हो गया, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद a1 और b1 की जगह पे वैल्यू लेकर देख लेंगे तो हमें एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये इसका घर है और ये इसका स्कूल है, और होम से लेकर स्कूल के बीच का डिस्टेंस को हमने h मान लिया, और सपोज कर लिया कि उसको रिक्वायर्ड t टाइम में पहुंच जाना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम में जो एक प्रॉपर चाल से चलेगा तो t टाइम में पहुंच जाना चाहिए। बट अगर 1 किलोमीटर पर हिसाब से चलता है तो वो क्या करता है, उसको टाइम कितना लगता है, t1 लेट से पहुंचता है, मतलब t टाइम पे पहुंचना चाहिए प्लस t1। तो क्या हो जाएगा कि जब पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, केस 1 लेंगे, केस 1 में अगर चाल 1 किलोमीटर पर आवर से वो चलता है तो, ठीक है दोस्तों, तो उस समय में जो समय लगेगा वो समय क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, चाल इक्वल टू मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम यहां से अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर मैंने मान रखा है इसको, डिस्टेंस को x किलोमीटर, तो x डिवाइडेड बाय चाल क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो समय लगेगा वो x बाय a लेगा, जो कि क्या हो जाएगा t + t1, यानी कि t टाइम पे पहुंचना चाहिए और t1 चाहे उसको ज्यादा लग गया, वो इक्वेशन हो गया आपका 1। ठीक है, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है कि अगर चाल जो है 20 किलोमीटर हो जाए, चाल 20 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, क्योंकि t मिनट में दिया हुआ है तो इसको पहले हम आवर में चेंज कर लेंगे, तो t1 और t2 को अगर ये मिनट में है, एक्चुअली ये मिनट में दिया हुआ है, इसको हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे ताकि ये आवर में आ जाए। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से चाल 20 किलोमीटर पर आवर में है तो इसमें जो समय लगेगा उसको वो हो जाएगा x बाय b, डिस्टेंस बाय स्पीड,
वो जो टाइम हो जाएगा वो टी टाइम से क्या होगा, पहले पहुंच जाता है टी टू टाइम में, तो टी माइनस टी टू, और ये 60 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करती है, ये इक्वेशन हो गया टू। अब इक्वेशन वन में से टू को अगर माइनस करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन बचता है वो बच जाता है एक्स बाय ए माइनस एक्स बाय बी इक्वल्स टू बच जाएगा टी वन प्लस टी टू बाय 60। ठीक है दोस्तों, अब यहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है हमारा वो x किलोमीटर ही है, डी पूछ रहा है x निकालना है, तो यहां से x कॉमन ले लेंगे और x का वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा जो a इंटू बी बी माइनस ए इंटू टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाय 60। देखिए दोस्तों एक्स की वैल्यू जब यहां से आप निकालोगे तो ए इंटू बी बाय बी माइनस ए इंटू टी वन प्लस टी टू बाय 60, यही वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पे हम एक वैल्यू लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि ए की जगह पे लेते हैं कि पहले लड़का 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ठीक है, बाद में हुआ तो स्कूल जाने में कितना समय देर पहुंचता था, तो सपोज कीजिए कि 2 मिनट देरी से पहुंचता था, ठीक है। अब क्या किया कि वो 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया, मतलब सपोज कीजिए कि 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो वो टी टू मिनट पहले, तो ये टी टू की जगह पे हम मान लेते हैं कि एक्स मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, इस फॉर्मूला डायरेक्ट आप पुट कीजिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बेसिक प्रोसेस की तरह से बना सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो आप सीधे पुट कीजिए कि ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू है 3 इंटू बी का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, तो 5 माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय टी वन प्लस टी टू माने 2 प्लस 1 और बाय डिवाइडेड बाय 60। इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे 15 बाय 2 इंटू 3 बाय 60, इसको काट देंगे आप तो 15 4 हो जाएगा, 3/8 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3/8 किलोमीटर इसके होम से लेके स्कूल का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी 1 किलोमीटर पर आवर से तय की तथा उतने ही दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से तय की, यदि पूरी यात्रा में टी घंटे लगते हैं उनको तो समय, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, एक दूरी उसने एक जगह से दूसरे जगह पे किया। सपोज कीजिए कि ये आदमी यहां से लेकर के ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक गया, यहां तक, तो यहां से और यहां तक मतलब बराबर बराबर दूरी, क्योंकि जितनी दूरी वो 1 किलोमीटर पर आवर से तय की उतनी ही दूरी वो 20 किलोमीटर पर आवर से तय की। यानी अगर सपोज करे कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस x किलोमीटर है, यानी कि हाफ x बाय 2 किलोमीटर वो क्या किया, 1 किलोमीटर पर आवर से तय किया, और x बाय 2 किलोमीटर जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से तय किया, और वो बता रहा है कि पूरी यात्रा में टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो t आवर्स लग रहा है, तो t आवर्स टोटल टाइम जो ट्रेवल है उसका, उसमें t टाइम लग रहा है। तो सपोज कीजिए कि हम क्या करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, तो इतने में जो समय लगा उसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि x बाय 2 में जितना टाइम लगा, फिर नेक्स्ट x बाय 2 में जो टाइम लगा वो दोनों टाइम को अगर हम जोड़ देंगे तो टी टाइम मुझे मिलेगा, और उस टी टाइम से हम जो आएगा उससे हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, और वही x की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है जो कि टोटल डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आइए पहले हम इस भाग का ए से लेकर, सपोज कीजिए इसी मिडल पॉइंट पे कोई पॉइंट है सी, तो ए से लेकर सी तक का टाइम हम मानते हैं, सपोज कीजिए टी वन टाइम में वो ए से लेकर सी तक गया, तो टी वन टाइम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्स बाय टू है और चाल है कितना, स्पीड कितना, 1 किलोमीटर पर आवर, तो टी वन कितना हो जाएगा, एक्स बाय टू इंटू ए आवर्स, इतने घंटे लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट जो सी से लेकर के बी उसको जाने में टाइम लगा वो उसको मानते हैं कि टी टू टाइम, तो टी टू टाइम कितना हो जाएगा, एक्स बाय टू, सेम एक्स बाय टू इंटू बी, एक्स बाय टू डिस्टेंस हो गया और 20 किलोमीटर पर आवर से है, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिया, तो ये हो गया टोटल। अब ये दोनों को हम अगर जोड़ते हैं, दोनों टाइम को अगर ऐड करते हैं, टी वन प्लस टी टू, ये टोटल ट्रेवल टाइम हो जाएगा ड्यूरिंग ए एंड बी,
ए और बी के बीच में जो ट्रेवल टाइम है वो टी वन प्लस टी टू हो जाएगा, जो कि हमें कितना दिया हुआ है टी आवर्स, तो टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एक्स बाय टू ए प्लस एक्स बाय टू बी। अब यहां से एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स बाय टू कॉमन आ जाएगा, यहां से वन बाय ए प्लस वन बाय बी, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स बाय टू इंटू ए प्लस बी बाय ए इंटू बी हो जाएगा। और यहां से अगर हम टी का वैल्यू निकाले दिस इज इक्वल टू टी इक्वल टू ये हो जाएगा, यहां से एक्स की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो टू टी ए बी बाय ए प्लस बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखिए दोस्तों, अगर फॉर्मूला आपको याद रहा या समझ में रहा तो आप कितनी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब यही चीज हमने यहाँ पे भी लिखा था। अब अगर सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल के द्वारा समझना है आपको, तो सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर से दूरी को तय करता है, और फिर वो उतनी ही दूरी को सपोज कीजिए कि 7 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, और टोटल टाइम जो लगता है वो 2 आवर्स लगता है, 2 घंटे टाइम लगते हैं उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 2t, 2 इंटू टी का वैल्यू 2 इंटू ए 5 इंटू 7 7 बाय 5 प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 5 बाय इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, इसको काट देंगे 3 तो हो जाएगा 35 बाय 3 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी किसी स्थान से 1 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तथा दूसरी तेज रेलगाड़ी, जो दूसरी रेलगाड़ी है वो तेज है, वो टी घंटे बाद उसी स्थान से 20 किलोमीटर पर आवर से चलती है, यानी वी का वैल्यू जो है वो ए से ज्यादा है, तो दोनों रेलगाड़ी उस स्थान से कितनी दूरी पे तथा कितने समय के बाद मिल जाएगी, क्योंकि जो तेज वाली है जरूर जो स्लो चल रही है उसको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगी, तो कितने दूरी पर जो शुरू का स्थान है उससे कितने दूरी पर मिलेगी और कितना टाइम के बाद मिलेगी, यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है वो सिंपल, अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो दोनों रेलगाड़ी का जो स्पीड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टी आवर्स, जितने घंटे के बाद से चलना स्टार्ट करता है, और दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए बी टी बाय बी माइनस ए किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, और जो टाइम रिक्वायर्ड है जितने टाइम के बाद वो मिलेगी वो टाइम हो जाएगा ए टी बाय बी माइनस ए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं ये कैसे होता है। तो सपोज कीजिए कि ये पॉइंट कोई यहाँ पे पॉइंट है ए, जहां से पहली रेलगाड़ी चलना शुरू किया, तो वो पहली रेलगाड़ी सपोज कीजिए कि 1 किलोमीटर पर आवर से चली, 1 किलोमीटर पर आवर से चली, तो टी टाइम के बाद सपोज कि चल गई चलती 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 यहाँ पे आई, टी टाइम के बाद टी टाइम पर यहाँ पे कितना दूरी तय कर ली होगी यहाँ से यहाँ तक, तो अगर डिस्टेंस निकाले तो 1 किलोमीटर से चल रही है तो टी टाइम के बाद ए इंटू टी हो जाएगा, तो डिस्टेंस आफ्टर टी टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टर टी आवर्स, टी आवर्स हो जाएगा ए इंटू टी, यहां से यहां तक ए इंटू टी, यहां सपोज करेगी यहां तक पहुंची वो रेलगाड़ी टी टाइम के बाद, तो डिस्टेंस तब तक कितना ट्रेवल कर चुकी थी ये रेलगाड़ी ए इंटू टी के बराबर। अब उसी स्थान से टी घंटे जब यहां पे पहुंची तो दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से यहां से चल पड़ी, जब वो 20 किलोमीटर से यहां से चल पड़ी तब तक ये रेलगाड़ी ए टी मतलब इस पोजिशन में पहुंच चुकी थी, इस पोजीशन में पहुंची हुई थी, यहां पर पहुंची हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो जब हम निकालेंगे वो रेलगाड़ी यहां जा रही है 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पहुंच गई और यहां से वो चली है, तो पिछला वीडियो में मैंने आपको रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल के बारे में बताया था, तो इस रेलगाड़ी का सापेक्ष चाल क्या होगा, तो चूंकि डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड रिलेटिव स्पीड जो होगा वो दोनों स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड जो कि सापेक्ष चाल है वो हो जाएगा बी माइनस ए किलोमीटर। वो इसीलिए देखते हैं कि अब हम इस रेलगाड़ी को स्टैटिक मान सकते हैं, हम ये गाड़ी को अब मान लेते हैं कि ये ए टी दूरी चल के यहाँ पे रुक चुकी है, और ये रेलगाड़ी बी माइनस ए के स्पीड से आगे बढ़ रही है, बी माइनस इसकी चाल को इसमें से माइनस कर दिया तो बी माइनस मैंने की रिलेटिव स्पीड से ये आगे बढ़ रही है, तो हमको कैलकुलेट करने में ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चूंकि डिस्टेंस हमें पता चल गया कि हमें कितना हो गया टी टाइम, डॉक्टर ए टी हो जाएगा, और रिलेटिव स्पीड यहाँ पे बी माइनस ए हो जाएगा,
तो हमें क्या पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस यहाँ से कितने डिस्टेंस, क्योंकि ये तो और आगे बढ़ते जाइए ना, तो यहाँ से कितने दूरी के बाद ये रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी आपस में एक स्थान पे पहुंचेगी। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या होगा कि टोटल ए टी मान लेते हैं कि ए टी पीछे है, बस ए इंटू टी टाइम डिस्टेंस ही तो पीछे है और चल रहा है बी माइनस ए रिलेटिव स्पीड से, रिक्वायर्ड टाइम जो हो जाएगा, जो मिलने का टाइम है वो हो जाएगा स्पीड, स्पीड कितना है ए इंटू टी और डिवाइडेड बाई स्पीड रिलेटिव स्पीड बी माइनस ए, यही टाइम हमने यहाँ पे लिखा है कि इतने टाइम के बाद ये आवर्स, इतने टाइम के बाद ये रेलगाड़ी इससे यहाँ पे जाकर के मिल जाएगी। कि सपोज कीजिए कि ये जो टाइम निकला वो टाइम सपोज कीजिए अगर हम इसको कैपिटल टी मानते हैं तो कैपिटल टी यहाँ पे ये कैपिटल टी टाइम में जाकर के ये रेलगाड़ी यहाँ से ये बी रेलगाड़ी बड़े ए रेलगाड़ी और बी रेलगाड़ी यहाँ पे आकर के मिलेगी, ठीक है। अब अगर मुझे टाइम पता चल गया तो आराम से हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, तो क्योंकि ये यहाँ से यहाँ टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा ए टी बाई बी माइनस ए, और ये रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तय करने का डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड और इंटू टाइम, तो स्पीड 20 किलोमीटर है तो बी और इंटू टाइम लगा ये, तो ए टी बाई बी माइनस ए, यानी कि आप कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो ए बी टी बाय बी माइनस ए, यही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ए बी टी बाय बी माइनस ए, यानी कि ये इस पॉइंट से ये सेम पोजीशन से जाकर के जो डिस्टेंस आएगा वो ए बी टी बाय बी माइनस ए डिस्टेंस के बाद ये टी टाइम इस टाइम पे जाके मिल जाएगी दोनों रेलगाड़ी, ठीक है दोस्तों। तो इस पे अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, सपोज कीजिए कि कोई रेलगाड़ी 5 किलोमीटर से चल रही थी और दूसरी रेलगाड़ी सपोज कीजिए कि 1 आवर्स के बाद एक घंटे के बाद 7 किलोमीटर पर आवर से चली, ठीक है, तो कितने डिस्टेंस के बाद डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा ए बी टी, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 7 और टाइम हो जाएगा 1 बाय बी माइनस ए, यानी कि 7 माइनस 5 यानी कि 35/2, इतना किलोमीटर के बाद ये एक रेलगाड़ी अपने शुरू प्रारंभिक पोजीशन से 35/2 किलोमीटर के बाद मिल जाएगी, और टाइम क्या हो जाएगा तो ए टी ए का वैल्यू क्या है 5, टी का वैल्यू क्या है 1 और बी 7-5 यानी कि 5/2 आवर्स यानी कि ढाई घंटे के बाद ये रेलगाड़ी बस 35/2 किलोमीटर पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आदमी अपनी चाल को ए बाय बी कर देता है तो उसे एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगता है, यानी कि उसकी जो मूल गति थी उस मूल गति को वो ए बाय बी कर देता है माने घटा देता है इस फैक्टर से, तो उसको जो टाइम लगना चाहिए था जो टाइम लगता उसके 3 घंटे ज्यादा टाइम लगते हैं। यदि वह अपने मूल गति से चलता तो उसी दूरी को तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो जो रिक्वायर्ड टाइम है वो होता है ए बाय बी माइनस ए इंटू टी। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सपोज कीजिए कि ये कोई व्यक्ति यहाँ पे है और इसको ए से लेकर के बी तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक का सपोज मान लेते हैं कि ए से बी के ओर जाने में वो एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर वो चलता है, अगर सपोज कर लीजिए कि इसका मूल स्पीड जो मूल गति है वो एक्स किलोमीटर प्रति आवर से चलता तो इसको वाई घंटे लग जाते, सपोज कीजिए इसको कि वाई घंटे लग जाते, तो डिस्टेंस क्या हो जाता कि ए से बी के बीच में डिस्टेंस जो हो जाता है वो चूंकि स्पीड दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो एक्स इंटू वाई आवर्स हो जाएगा कि ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मूल गति से वो चलता तो वाई घंटे उसको लग जाते तो डिस्टेंस हो जाता एक्स इंटू वाई। अब सपोज कीजिए कि न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, वो अपनी स्पीड को क्या किया वो कम कर लिया कितना ए बाय बी से, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा ए बाय बी इंटू एक्स, ठीक है ये न्यू स्पीड हो गया। तो उसको अब कितना टाइम लगेगा वहां तक जाने में, तो चूंकि डिस्टेंस एक्स वाई है तो एक्स वाई है तो जो टाइम लग जाएगा टी जो है वो टी जो हो जाएगा वो लग जाएगा एक्स वाई बाय ए बाय बी इंटू एक्स, बी ऊपर चला जाएगा और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बी वाई बाय ए आवर्स लग जाएगा इसको, इतना टाइम लग जाएगा उसको स्पीड कम करने पे, जो टाइम लगेगा वो इतना लग जाएगा, और जब मेन स्पीड से चल रहा था तो वो उसको वाई घंटे लग रहे थे,
तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कि ये ज्यादा होगा ना, क्योंकि स्पीड कम करने के बाद जो भी ये टाइम आएगा वो ज्यादा टाइम होगा। तो इस टाइम में से अगर इस टाइम को घटा ले वाई घंटे को, तो जो टाइम आएगा वो 3 घंटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी वाई बाय ए माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी आवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम वाई कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा b माइनस ए बाय ए इंटू वाई इक्वल्स टू टी, या y इक्वल्स टू ए बाय बी माइनस ए इंटू टी। यही हमने, दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम, यही टाइम हमको यहां निकालना था कि ए टी ए बाय बी इंटू टी घंटा, अगर वो मूल गति से चल रहा हो तो y घंटे लग रहे थे, और इसी y का वैल्यू यहाँ पे आ गया y बाय बी माइनस ए इंटू टी। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप छुट्टियों में इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में बिना टाइम बर्बाद किए बना सकते हैं। अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया आ गया हो स्पीड डिस्टेंस टाइम का, तो उससे भी आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप क्वेश्चन को बना जरूर लेंगे। इस पे अगर एग्जाम्पल लेकर देखना चाहे तो सपोज कीजिए कि फैक्टर ए बाय बी, सपोज कीजिए कि टू बाय, सपोज कीजिए कि ये 1/2 कर देता है, स्पीड हाफ कर देता है, इसको 1/2 मान लेते हैं, तो टी घंटे ज्यादा लगता है, सपोज कीजिए कि 1 घंटे उसको ज्यादा लग जाते हैं, तो आप मूल गति से चलने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, इसमें आप रख देंगे डायरेक्ट, तो ए का वैल्यू है 1, तो 1 बाय बी का वैल्यू है 2, तो 2 माइनस ए का वैल्यू है 1 और 1, और टी का वैल्यू 1 आवर इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1/1 × 1 यानी कि 1 आवर्स। अगर मूल गति से चलता तो उसको यहां से यहां तक जाने में 1 घंटा लग जाता। ठीक है दोस्तों, मैं इस पे एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज का प्रश्न है, एक लड़का कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा 25 किलोमीटर/आवर की चाल से तय की तथा उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर/आवर से पैदल तय की। अगर पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा हो तो उसने पुल कितनी दूरी तय की। ऑप्शन में ए 40 किलोमीटर, ऑप्शन में बी 38 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर, ऑप्शन डी 35 किलोमीटर। आप अगर मेरे इस वीडियो को आप सही से आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और अच्छे तरह से बना सकते हैं, और अगर उस क्वेश्चन का आंसर आप बना लेते हैं तो जरूर जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तब तक अपने ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।